हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ लौकी की सब्जी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की रेसिपी है लौकी की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। अगर आपको लौकी खाना पसंद है तो मेरे इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लौकी की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लौकी को छील के और इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने इसके पीसेस को कट कर लिया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्ची, नमक, 5 फोरन, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैंने एक जार को लिया है और जार में हम प्याज को डालेंगे, टमाटर और लहसुन, और इसका एक हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस पे एक पैन को चढ़ा लिए हैं और पैन में अब हम लौकी को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल को डाल दिया है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम लौकी को डाल देते हैं। एक एक करके इसमें मैंने सारे लौकी के पीसेस को डाल दिया है और इसे अब हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसे लगातार अच्छी तरीके से चलाते हुए और फ्राई कर लेते हैं। इसका हमें कलर चेंज करना है। देखिए इसके ऊपर एक लेयर सी आ रही है। इस तरीके से हम लौकी को फ्राई कर लेंगे। देखिए लौकी मेरा अब लगभग फ्राई हो चुका है तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम एक प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिए हैं। इस सब्जी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और अब हम इसमें सरसों के तेल को डाल के और 5 फोरन को डाल दिए। हम इसे भून लेते हैं। तो देखिए 5 फोरन हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें सूखी लाल मिर्ची और तेजपत्ता, इन दोनों को हम डाल देते हैं और इन दोनों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए ये दोनों भी भून चुका है तो हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और इसे भी हम भून लेंगे। प्याज को मैंने पतले पीसेस में और लंबा लंबा शेप में काट के तैयार किया है। तो देखिए इस तरीके से हम प्याज को भी भून लेते हैं और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इसे हम कुकर में बना रहे हैं, ये फटाफट से बनके तैयार भी हो जाएगी। ज़्यादा समय हमें इसे बनाने में नहीं लगेगा क्योंकि इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। देखिए इसे हम लगातार चलाते हुए और भून लिए हैं। ये हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें जो पेस्ट तैयार किए थे उसको डाल देते हैं और इसे हम मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे भून लेंगे। मसाला हमारा भुनना शुरू हो चुका है तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 सेकंड के लिए और हम इसे भून लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हमने जो लौकी को फ्राई किया था उसे डाल देते हैं और मसालों में हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे मैंने मिक्स कर दिया है। इसे भी अब हम 1 से 2 सेकंड के लिए मसालों के साथ भून लेंगे ताकि मसाला का फ्लेवर लौकी के साथ अच्छे से आ जाए। तो देखिए 2 सेकंड हो चुका है और लौकी हमारा तैयार हो चुका है भून के। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम ही पानी का यूज किया है। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ढक्कन को लगा देते हैं और 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। इसका मैंने गैस निकाल लिया है प्रेशर कुकर का और ढक्कन खोल के देख रहे हैं। वाह कितनी अच्छी हमारी जो सब्जी है वो तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा लौकी की सब्जी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।